हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडी। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपका AIMAT का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है। तो कहाँ पे जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म चेक फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, उसमें google.com ओपन करना है। इसमें टाइप करना है AIMT 2022 IAS पेपर। एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जिस पर आपको AIMT से रिलेटेड कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे सर्च करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं IASPaper.net AIMT फिजिडियम एडमिशन 2022, इसी लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं AIMT 2022 SIPU एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बिन रिलीज फॉर MBA BBA प्रोग्राम्स। तो आपका MBA BBA प्रोग्राम के लिए आपका आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिलीज़ कर दी गई है। तो कहाँ पे जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये फॉर्म फिल कर लेना, अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, करंट स्टेट, करंट सिटी, इंडस्ट्री, कोर्स, हैजिस, क्वालिफिकेशन, गेट पे कौन सी पे क्लिक करना है। इससे आपकी ईमेल आईडी और आपके कॉन्टेक्ट नंबर के थ्रू AIMT से रिलेटिव कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको फ्री आपको एसएमएस कर दिए जाएंगे। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिए। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहते हैं। क्या गुड न्यूज़ है, इंडिया के टॉप 6 यूनिवर्सिटी में फुल फ्लो में एडमिशन स्टार्ट है। तो आपने कहीं भी एडमिशन अभी तक तो लिया नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं UPES, W प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, KL यूनिवर्सिटी, NIMS यूनिवर्सिटी एंड DIT यूनिवर्सिटी, ये इंडिया के टॉप 6 यूनिवर्सिटी हैं। यहाँ पे आपको एडमिशन लेना चाहिए। आपको यहाँ पे एडमिशन लेने के टोटल 5 रीज़न मिलने वाले हैं। आपको यहाँ पे 100% प्लेसमेंट मिलने वाली है, क्वालिटी एजुकेशन मिलने वाला है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मिलने वाला है, प्रैक्टिकल लर्निंग मिलने वाला है एंड इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलने वाला है। तो आपको यहाँ पे एडमिशन ज़रूर लेना चाहिए। क्या करना है, अगर सपोज अगर आप कहीं भी एडमिशन लेते हैं, अपने आसपास किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो क्या होगा, वहाँ पे आपके आसपास के बच्चे, कॉलेज के बच्चे आएंगे। क्या अलग स्टेट से भी बच्चे आएंगे पढ़ने को, नहीं आएंगे, लेकिन ये इंडिया का टॉप 6 यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर अलग अलग स्टेट से ही नहीं बल्कि अलग अलग कंट्री से भी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। तो आप उनके साथ रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, बातें करेंगे, तो आपको क्या होगा, कल्चर एक्सचेंज होगा, माइंड एक्सचेंज होगा, नॉलेज एक्सचेंज होगा, टैलेंट एक्सचेंज होगा। तो आपको यहाँ पे एडमिशन ज़रूर लेना चाहिए। अगर मैं आपकी जगह पे होती तो ज़रूर एडमिशन लेती। आपको क्या करना है, सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाके आपको अप्लाई ना पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर लेना है। तो क्या करना है, यहाँ पे AIMT का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज़ हुआ है MBA BBA के लिए। तो यहाँ पे क्लिक हियर टू चेक एप्लीकेशन डिटेल्स पे क्लिक करके क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, और अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आपको क्लिक हियर पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको आ चुका है आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पर आपको शाइन में पे क्लिक कर लेना है। अब आपको यहाँ पर अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, आपको एनी पासवर्ड ऑफ यू चूज, आपको अपने से कोई पासवर्ड चूज कर लेना है कोई भी एक, और यहाँ पे आपको पिन कैप्चा कोड में जो इमेज में दिख रहा है वो आप यहाँ पे फिल करके आई एग्री पे क्लिक करके आपको रजिस्टर पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे आपको प्रिंट फॉर्म का और रेडिट फॉर्म का, एडमिट कार्ड का, यहाँ पर प्रिंट रिसिप्ट का, तो आपको इसके लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको फ़ीस कितने लग रही है, 1100 रुपीज़ टोटल फ़ी लगने वाली है आपका। तो आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं BBA प्रोग्राम के लिए तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अगर MBA के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई ना पे क्लिक कर लेना है आपको सिंपली। अब आपका यहाँ पर न्यू टैब ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको पर्सनल प्रोफाइल पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर क्या है वो, डेट ऑफ बर्थ आपका, मटेरियल स्टेटस सिंगल, मैरिड या फिर अनमैरिड। तो आपको यहाँ पे ब्लड ग्रुप अपना बता देना है, प्लेस ऑफ बर्थ आपका, आपका बर्थ मतलब आपका जन्म कहाँ पे हुआ था वो जगह का नाम आपको यहाँ पे बताना है। एंड यहाँ पे आपको हाउस लाइन, अपना हाउस या फिर प्लॉट, अभी ब्लॉक नंबर आपको यहाँ पर बता देना है। यहाँ पे एड्रेस लाइन सेकेंड है, यहाँ पे सिटी आपको अपनी बतानी है, स्ट्रीट कौन सी स्ट्रीट में आप रहते हैं वो बताना है,
आपका पिन कोड नंबर क्या है वो, कंट्री का नाम, एंड यहाँ पे आपको होम मोबाइल नंबर दे देना है। अब उसका मोबाइल नंबर, कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल ओबीसी एसटी एससी जो भी है आपको यहाँ पे फिल करके, नेशनलिटी आपकी क्या है, इंडियन है या फिर फॉरेन है, वो आपको यहाँ पे टिक कर लेना है। उसके बाद आपको फिजिकल हैंडीकैप्ड मतलब PWD है तो एस पे क्लिक कर लेना है, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे जी एंड के माइग्रेंट बताना है आपको, तो यहाँ पे आपको एड्रेस डिटेल्स देने हैं, आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे दे देना है, यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल पेरेंट्स डिटेल्स देने हैं, फादर का टाइटल, फादर का नाम जो भी है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मिडिल नेम, फादर का लास्ट नेम क्या है फादर का वो, मदर टाइटल, मदर टाइटल में मदर का मदर, उसके बाद फिर मदर का नाम जो भी है वो आपको फिल कर लेना है, मिडिल नेम उनका लास्ट नेम जो भी है वो फिल कर लेना है। उसके बाद मदर एंड फादर, फादर एंड मदर, आर्मी नंबर एंड रैंक क्या है वो बताना है आपको, यहाँ पे करंट स्टेटस क्या है आपका वो बता देना है, यहाँ पे फादर का ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको, और यहाँ पे आपको क्या करना है, मेल टाइटल बताना है, एंड यहाँ पे आपको ऑफिशियल एड्रेस ऑफ पेरेंट्स का ऑफिशियली एड्रेस बताना है, स्टेशन क्या है वो बता देना है, और यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिर आपको देना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको कहाँ पे अपने वेयर लास्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम पास, आपने क्या कहाँ पे पास किया, दिल्ली में या फिर आउटसाइड दिल्ली से बाहर, फिर आपको यहाँ पे क्लास 10 का स्कूल या फिर कॉलेज का नाम, फिर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम, आपने किस ईयर में पास किया वो बताना है, और परसेंटेज आपको कितने मिले थे, और CGPA में कितने मिले थे, अगर आपको CGPA में मिले थे तो कितने मिले थे वो बता देना है। उसके बाद आपको क्लास 12 का बताना है, यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम, किस ईयर में आपने पास किया वो बता देना है यहाँ पे। उसके बाद आपको परसेंटेज बताने हैं, यहाँ पे आपको फ़ोटो एंड अपना अपलोड कर लेना है डॉक्यूमेंट्स जो भी है, यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो, उसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको अपना नाम, पेरेंट्स नेम, डेट क्या है वो आपको बताने के बाद सेव इंप्रूव पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। तो अब आपको यहाँ पे पेमेंट कर लेना है अपना, तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI किसी के भी थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।